अब रिसेंट कुछ दिनों पहले मैंने ओमनीट्रिक्स से रिलेटेड एक फैक्ट वीडियो बनाया था, जिसे मैंने ओमनीट्रिक्स से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स को उस वीडियो में बताया था। और मैंने उस वीडियो में ऐसा भी कहा था कि अगर आप लोग इस वीडियो का 2.5K लाइक एम कर दोगे कंप्लीट, तो मैं इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी ले आऊंगा। और सच में यार, आपने उस वीडियो में इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया, और उसके नेक्स्ट दिन ही मैं सुबह जब उठ के देखा तो उस वीडियो का 2.5K लाइक एम कंप्लीट हो चुका था। मतलब आप लोग ने 12 घंटे से भी पहले उस वीडियो का लाइक एम कंप्लीट कर दिया, तो डेफिनेटली मुझे पार्ट 2 तो लेके आना ही था। इसलिए आज की इस वीडियो में भी हम लोग ओमनीट्रिक्स से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं, और ये वीडियो का पार्ट 2 है। और हाँ, पार्ट 2 का कनेक्शन पार्ट 1 से बिल्कुल भी नहीं है, पार्ट 1 अलग है, पार्ट 2 अलग है। पहले आप लोग पार्ट 2 देख लो, उसके बाद जाके आप लोग पार्ट 1 भी देख सकते हो, उसका लिंक मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और पार्ट 1 की ही तरह मैंने पार्ट 2 में भी एक नहीं दो नहीं बहुत सारी ओमनीट्रिक्स, अल्टीमेट्रिक्स और बायोमेट्रिक्स को कवर किया है, इसीलिए वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाली है, तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। तो चलो कंटिन्यू करते आज की हमारी इस वीडियो को। फैक्ट नंबर 1, अब जब बेन टेनिसन 11 साल का था तो हमें ये बात पता चला था कि बेन टेनिसन का एक फेवरेट एलियन है जो कि फीडबैक, और ये बात हमें बेन 10 ओमनीवर्स में पता चला था। बेन 10 एलियन फोर्स, बेन 10 अल्टीमेट एलियन, हमें किसी में भी ये नहीं पता चला था कि फीडबैक नाम का एलियन भी एग्जिस्ट करता है, ये चीज हमें ओमनीवर्स में पता चला था। और अगर फीडबैक को कभी भी अगर ओमनीवर्स में नहीं दिखाया जाता तो हमें ये बात पता ही नहीं चलता कि बेन टेनिसन का ये फेवरेट एलियन है। तो फीडबैक की ही तरह बहुत सारे बेन टेनिसन के पास ऐसे एलियन है जिसको हमें कभी भी ऑन स्क्रीन तो नहीं दिखाया गया, और वो सारे एलियन बेन टेनिसन ने जब फीडबैक अनलॉक किया था 11 साल की उम्र में, तभी उसने उन सारे एलियंस को भी अनलॉक किया था। और ये जितने भी एलियन है सारे ऑफ स्क्रीन एलियन है, और लिटरली ये सारे एलियन बहुत ज्यादा कूल है। तो वो टोटल 6 एलियन है जिसको बेन टेनिसन ने ऑफ स्क्रीन अनलॉक किया था। तो जो फर्स्ट एलियन है जिसको बेन टेनिसन ने ऑफ स्क्रीन अनलॉक किया था वो है सोमनेम बोल लिजार्ड। तो ये जो एलियन है इसके पास कुछ इस तरीके की पावर होती है कि किसी की भी माइंड को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकता है, मतलब इसके माइंड कंट्रोल की पावर है, और ये अपने बॉडी को भी जनरेट कर सकता है डिस्ट्रॉय होने के बाद। और जो सेकंड एलियन है वो है बंजी स्पॉन्च, और इस एलियन के पास सैंड रिलेटेड पावर होती है जो कि पूरी तरीके से सैंडमैन जैसा दिखता है। और जो थर्ड एलियन है वो है स्किडमर्स, जिसके पास एक स्लाइड जैसी पावर होती है, मतलब ये बहुत ही स्पीड में भाग सकता है। और जो फोर्थ एलियन है वो है मिलीमॉथ, और ये जो एलियन है पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया क्योंकि इसकी जो पावर है बेन टेनिसन किसी भी एलियन से सिमिलर नहीं है और सभी से डिफरेंट है, और ये सच में बहुत ज्यादा डेंजरस एलियन है क्योंकि ये जो एलियन है ये किसी भी एलियन स्पीसीज को कंट्रोल कर सकता है, वो भी खाली अपने वॉइस से। और अगर आप लोग ध्यान से नोटिस करोगे तो आप लोग को इसके फेस में बहुत सारे माउथ देखने को मिलेंगे जो कि इसके लुक्स को और ज्यादा डेंजरस कर देते हैं। और अगर इस एलियन को कभी भी अगर हमें एपिसोड में दिखाया जाता तो सच में ये काफी ज्यादा देखने वाली चीज होती, बिकॉज जो ये एलियन के पास पावर है मुझे नहीं लगता बेन टेनिसन के किसी भी एलियन के पास ऐसी पावर है। और जो फिफ्थ एलियन है वो है हिप्पोपोटामस, अब ये भले ही बहुत ज्यादा वियर्ड एलियन दिखता है पर इसकी पावर सच में बहुत ज्यादा कूल है क्योंकि ये एलियन येलो एनर्जी का यूज कर सकता है। और अगर आप लोग ये वाले इमेज को अगर ध्यान से देखोगे तो आप लोग को ये लगेगा कि ये ग्रेविटी तक को भी कंट्रोल कर सकता है ग्रेविटेक जैसा, क्योंकि जो इसके पास के स्टोन है ऐसे लग रहा है कि इसने उसको कंट्रोल करके रखा है। और जो सिक्स्थ एलियन है वो है क्रैप्टेस्टिक्स, जिसके पास कुछ ऐसी पावर है कि 360 विजन से चारों तरफ देख सकता और ये पूरे ही तरीके से क्रैब जैसा लगता है। अब ये एलियन मुझे इतना कूल एलियन तो नहीं लगा, हाँ पर ये जो वाटर एरिया रहता है उसमें ये बहुत अच्छे से बेन टेनिसन की हेल्प कर सकता है। तो ये जो सारे एलियंस थे इन सबको बेन टेनिसन ने ऑफ स्क्रीन अनलॉक किया है, जिन एलियन को आज तक बेन टेनिसन ने कभी भी एपिसोड में तो यूज नहीं किया, पर मुझे लगता है कुछ एलियन इसमें से बहुत ज्यादा पावरफुल थे जिनको बेन टेनिसन को यूज करना चाहिए, जैसे कि मेलीमाउथ था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था मुझे जहां तक लगा। तो बढ़ते फैक्ट नंबर 2 के ऊपर। फैक्ट नंबर 2, अब बेन 10 एलियन फोर्स में हम लोग ने बेन के पास एक रिकैलिब्रेटेड ओमनीट्रिक्स को देखा था जो कि अपने पिछले वाली ओमनीट्रिक्स से बहुत बेस्ट थी, बट इस ओमनीट्रिक्स में जब बेन 10 एलियन में ट्रांसफॉर्म होता था तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बेन 10 के एलियंस के क्लॉथ नहीं हुआ करते थे क्योंकि इसमें क्लॉथिंग फीचर ही नहीं था। बट बेन 10 के बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जिनको ये बात नहीं पता है कि आखिर क्यों रिकैलिब्रेटेड ओमनीट्रिक्स में क्लॉथिंग फीचर नहीं था। तो जिन भी लोगों को ये बात नहीं पता रहा कि आखिर जो रिकैलिब्रेटेड ओमनीट्रिक्स में क्लॉथिंग फीचर क्यों नहीं था, तो रुको मैं बताता हूँ आखिर ऐसा क्यों है। बिकॉज जो एलियन फोर्स वाली ओमनीट्रिक्स थी जब वो रिकैलिब्रेट हो जाती तो जो उसका नैनो मशीन पार्टिकल होता है वो टूट जाता है, जिस वजह से ऐसा होता है कि जो ओमनीट्रिक्स रहती है एलियन फोर्स वाली वो किसी भी एलियंस को क्लॉथ प्रोवाइड नहीं करती है, और यही इसका एक्चुअल मेन रीजन है जिस वजह से हमें एलियन फोर्स के किसी भी एलियन के पास क्लॉथ नहीं देखने को मिले। तो बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 3 के ऊपर। फैक्ट नंबर 3,
तो ये जो फैक्ट है ये बायोमेट्रिक्स से रिलेटेड है। हाँ बायोमेट्रिक्स। अब बायोमेट्रिक्स का बेसिक यूज हम सब जानते हैं कि बेन टिनसन अपने वो दोनों ही ऑमेट्रिक्स का यूज करके एक फ्यूजन एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। बट क्या बायोमेट्रिक्स के इस फैक्ट के बारे में आप लोग जानते हो कि जो बायोमेट्रिक्स है वो खाली बेन टिनसन की ही वॉइस से एक्टिव हो सकती है। हाँ तो जब बेन टिनसन अपने दोनों ऑमेट्रिक्स को क्रॉस शेप में ला के जब किसी एलियन का नाम बोलता है तभी हम देखते हैं कि उसको फ्यूजन एलियन मिलता है। और बेन टिनसन अपने वॉइस का यूज करके किसी भी एलियन का नाम लेगा तो बायोमेट्रिक्स को उस एलियन में ट्रांसफॉर्म कर देगी। और इसीलिए अगर ये ऑमेट्रिक्स किसी अगर विलन के पास चल गई तो वो इसका यूज नहीं कर पाएगा बिकॉज इसमें बेन टिनसन की डिफॉल्ट वॉइस सेट है। अब बढ़ते हैं फैक्ट नंबर फोर्थ के ऊपर। फैक्ट नंबर फोर्थ, अब बेन टिनसन क्लासिक में जब भी बेन टिनसन एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है तो हमने बेन टिनसन की ऑमेट्रिक्स को नोटिस किया है कि वो व्हाइट कलर की होती है। बट अगर आप लोग बेन टिन अल्टीमेट एलियन और बेन टिन ओमनिवर्स के फ्लैशबैक क्लासिक वाले बेन टिनसन को देखोगे तो उसकी ऑमेट्रिक्स का जो कलर था वो ग्रीन था। तो बहुत सारे बेन टिन के ऐसे फैंस है जिनको ये बात नहीं पता कि आखिर ऑमेट्रिक्स का सिम्बॉल बेन टिन अल्टीमेट एलियन और बेन टिन ओमनिवर्स में ग्रीन क्यों था। तो वेट मैं क्लियर करता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों था। तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑमेट्रिक्स का जो स्क्रैच गार्ड होता है वो रिमूव हो गया था, इसलिए जो ऑमेट्रिक्स का सिम्बॉल था वो ग्रीन शो हो रहा था हमें। वेट पूरा डिटेल में बताता हूँ कि आखिर ये स्क्रैच गार्ड क्या है और इसका ऑमेट्रिक्स से क्या कनेक्शन है। तो जो ऑमेट्रिक्स होता है उसके ऊपर एक स्क्रैच गार्ड लगा होता है और इसी रीजन की वजह से जब बेन टिनसन एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता था बेन टिन क्लासिक में तो हमें उसकी ऑमेट्रिक्स का जो सिम्बॉल है वो हमें व्हाइट शो होता था। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो चीज था ये बेन टिनसन टूट जाता है बेन टिन डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस में जब वो एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है। तो और उसके बाद से ही कुछ ऐसा होता है कि बेन टिनसन जब भी एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है उसकी जो ऑमेट्रिक्स का सिम्बॉल रहता है वो ग्रीन रहता है। और जो हमें फ्लैशबैक में इतने सारे बेन्स को दिखाया गया है वो सारे ही बेन टिन डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस वाले इवेंट के बाद वाले बेन है और इसीलिए उनके ऑमेट्रिक्स का जो सिंबल है वो हमें ग्रीन शो हो रहा था। और ये जो फैक्ट था ये मैं अपने मन से कुछ भी आप लोग को नहीं बताया, ये चीज हमें ऑफिशियली बताया गया है कि ऐसा हुआ है। तो बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट फैक्ट के ऊपर, फैक्ट नंबर 5। अब बेन टिनसन जब भी एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है तो हमें वो जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है उसको हमने हर बार देखा है। अब ये चीज आप लोग ने भी नोटिस किया होगा, मैंने भी नोटिस किया है और ये चीज आप लोग ने भी एक ना एक बार तो सोचा ही होगा कि जब बेन टिनसन एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है तो जिसका ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस रहता है क्या वो एक्चुअल में ही होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग के मन में आया होगा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है अगर एक्चुअल में अगर होता है तब तक तो उतने टाइमिंग में उसका विलन बेन टिनसन को खत्म करके ही चल जाएगा ना। तो देखो ये जो चीज इसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है ये एक्चुअल में होता है, जिस तरीके से आप लोग सोचते हैं उस तरीके से ये नहीं होता, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है सेम ऐसा ही हो रहा होता है बट ये इतने स्पीड में हो रहा होता है कि अगर आप लोग अपने पलक झपकते ही करोगे तब तक बेन टिनसन ये ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा। मतलब अगर बेन टिनसन एलियन सेलेक्ट किया और अगर आप लोग अपने आईज को क्लोज करके जब ओपन करोगे तो बेन टिनसन एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा। बस ये जो प्रोसेस है हमें इसको स्लो मो में दिखाया जाता है जिससे हमें समझ पड़े कि आखिर ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है। और आप लोग ने एक चीज तो नोटिस किया होगा कि काफी बार तो ऐसा भी होता है कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को दिखाया ही नहीं जाता और बेन टिनसन अपने ऑमेट्रिक्स में एलियन सेलेक्ट करके तुरंत एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो वो उसका रियल ट्रांसफॉर्मेशन है, बल्कि हमें जो उसका स्लो मो का जो पार्ट रहता है ट्रांसफॉर्मेशन का वो हमें कट कर दिया जाता है। जो मेन फाइट्स होती है, जो मेन जो फाइट होती है, जो बड़े बड़े फाइट्स होते हैं उन फाइट्स में हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को नहीं दिखाया जाता। तो अब आप लोग समझ गए होंगे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के बारे में कि आखिर ये कितना ज्यादा फास्ट होता है जिसको हमें स्लो मो में दिखाया जाता है। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मैंने आप लोग को बता दिया ऑमेट्रिक्स से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स के बारे में। और अगर आज की अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना। तो क्या बोलते हो यार, इस वीडियो का लाइक एम देख ही नहीं दे क्योंकि पिछले वाले लाइक एम को तो आपने 12 घंटे में ही कंप्लीट कर दिया था। तो ट्राई करते ये जो लाइक एम है आखिर ये लाइक एम को आप लोग कितने देर में कंप्लीट करते हो। तो आज की वीडियो का लाइक एम है 3K लाइक, तो ये जो लाइक एम है प्लीज इसको कंप्लीट कर देना क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ा लाइक एम है। पर आप लोग अगर सब लोग मिलकर अगर इस वीडियो को एक लाइक करोगे तो ये लाइक एम भी कुछ ही देर में कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर देना। और बेन टिन की और अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, तभी तो देख पाओगे बेन टिन की वीडियोस। और कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो क्या कर रहे हो यार, पार्ट 1 देखो, उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे ही रहा हूं और एंड स्क्रीन में आप लोग को शो तो हो ही रहा होगा, तो जाके यार उसको पार्ट 1 को भी देख लो जिनने भी नहीं देखा। और क्या बोलते हो, पार्ट 3 बना दूं क्या ऑमेट्रिक्स से रिलेटेड? तो इस वीडियो अगर अच्छा रिस्पांस आया तो पार्ट 3 भी शायद मैं बना दूं। तो खैर इस वीडियो में बहुत ज्यादा बात कर लिया, मिलते हैं नेक्स्ट किसी एक और अमेजिंग सी वीडियो में, तब तक ले गाइस बाय बाय।